नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स एजुकेशन है। दोस्तों इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट लाता हूँ। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलता रहे। तो चलिए आज के अपने स्टॉक को देख लेते हैं। दोस्तों हमारा जो पहला स्टॉक है मैजेस्टिक रिसर्च सर्विसेज, अगर इस शेयर की बात करें तो आप देखेंगे 7.84 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। जबकि अगर 52 वीक लो की बात करें तो 4.75 रुपये का इसका 52 वीक लो था। 52 वीक हाई की बात करते तो 13.30 रुपये तक इसने अपना नया 52 वीक हाई बनाया था। उसके बाद इस शेयर में गिरावट आने लगी और देख लेते हैं इस शेयर में करंट में क्या चल रहा है। उससे पहले इनका फंडामेंटल देख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों किसी भी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले उसका फंडामेंटल जरूर चेक करना चाहिए, ताकि ये आपको पता चल सके कि उस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है या फिर शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना चाहिए। तो देख लेते हैं बाकी डिटेल। अगर स्टॉक पी की बात करें तो आप देखेंगे 0.75 के स्टॉक पी पे मिला, जबकि अगर इंडस्ट्री पी की बात करें तो आप देखेंगे 26.5, यानी स्टॉक पी के अकॉर्डिंग ये बहुत ही सस्ता मिल रहा है। तो क्या इस शेयर को खरीदा जा सकता है इतना भी जल्दी? क्या है बाकी, पहले फंडामेंटल तो देख लें फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे इस शेयर को खरीदना चाहिए या नहीं, आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। अगर आरओई की बात करें तो आप देखेंगे काफ़ी अच्छा आरओई है, 28.5% के हिसाब से। अगर डेप्ट की बात करते हैं तो आप देखेंगे 10.4 करोड़ का डेप्ट है। हालांकि 10 करोड़ कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर मार्केट कैप से आप कंपेयर करते हैं तो आप देखेंगे मार्केट कैप से ज़्यादा तो डेप्ट है इनके ऊपर भी, तो ये काफ़ी दिक्कत वाली बात हो सकती है। अगर कैश की बात करें तो कैश भी माइनस में है, -20.8 करोड़ का इनके पास कैश है, यानी माइनस में, तो वो भी एक चिंताजनक बात हो सकती है। तो दोस्तों और डिटेल देख लेते हैं। सिर्फ डेप्ट देखकर हम किसी का डिसाइड नहीं कर सकते कि उस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों प्रोज और कॉन्स देख लेते हैं, ताकि हमें ये क्लियर हो सके कि कंपनी में क्या अच्छाइयाँ हैं तो क्या बुराइयाँ हैं, हमें दोनों पता होना चाहिए। तो दोस्तों पहले कॉन्स देख लेते हैं, क्योंकि उसमें पहला जो कॉन्स है आप देखेंगे कंपनी हैज़ हाई डेप्टर्स ऑफ 265.97 डेज। अगर दूसरा बात करें तो आप देखेंगे कंपनी ने अपनी जो स्टेक है वो कम की हुई है लास्ट 3 साल में 8% तक, तो ये थोड़ी सी चिंताजनक बात हो सकती है। लेकिन उन्होंने कितना कम किया हुआ है उसे हम डिटेल में देख लेंगे। उससे पहले आप देख लेते हैं इनसे प्रॉन्स क्या है। तो अगर प्रॉन्स की बात करें तो आप देखेंगे कंपनी जो कि बुक वैल्यू पे 0.19 टाइम खाली ट्रेड हुआ है। अगर बात करें कंपनी के ग्रोथ की, प्रॉफिट ग्रोथ की, तब पिछले 5 साल में आप देखेंगे 140% के CAGR से ग्रोथ हुआ है। ये काफ़ी अच्छी बात है और काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो कंपनी का ROE अगर लास्ट 3 साल का डिटेल देखेंगे तो आप देखेंगे 34.35% के CAGR के हिसाब से, तो ये काफ़ी अच्छी पॉइंट्स हो सकती है दो कंपनी। अगर उसके और डिटेल देख लेते हैं तो आप देखेंगे इनके अगर सेल्स की बात करें, आप देखेंगे कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ की बात करें तो काफ़ी अच्छी सेल्स ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। 5 साल की बात करें तो 90% का, अगर वहीं 3 साल की बात करें तो 72% का। अगर TTM की बात करें तो आप देखेंगे 22% का, यानी ये तो काफ़ी अच्छा डेटा शो हो रहा है। तो देख लेते हैं बाकी प्रॉफिट अगर ग्रोथ की बात करें तो आप देखेंगे 5 सालों में 140% का, अगर बात करें 3 साल में 76% का, TTM में -5, तो 1 साल में तो इतना देखा जा सकता है। लेकिन अगर स्टॉक प्राइस के CAGR की बात करें तो उसमें आप देखेंगे काफ़ी भारी गिरावट, यानी 5 साल में -27%, अगर 3 साल की बात करें तो -70%, 1 साल की बात करें तो -16%, यानी ये कहीं ना कहीं बात कम लग रही है। तो क्या मतलब बाकी सेल्स ग्रोथ हो रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है, तो आखिर स्टॉक की प्राइस क्यों नहीं बढ़ रही है उसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों उससे पहले प्रमोटर्स होल्डिंग देख लेते हैं, जो कि कम हुआ था पिछले 3 साल में 8% तक, तो कहाँ तक अभी तक पहुँचा है आप देखेंगे September 2016 से 72.83%, जो कि प्रमोटर्स होल्ड करते थे। अगर करंट की बात करें